सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कुछ कंटेंट वगैरह तो मिल नहीं रहा था, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो आज ऐसे ही बनाते हैं मिनी ब्लॉग, तो बने रहिए वीडियो में और देखिए आप लोग को एंजॉय कराते हैं। आइए चलिए चलते हैं नीचे, उसके बाद जाएंगे हम अमाथू, जहाँ पे खेती वेती हो रहा है थोड़ा मोहित का। तो आइए चलते हैं हम लोग नीचे। सो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ नीचे और हमारे मोहित भाई भी आ चुके हैं, बाइक निकाल रहे हैं। और आइए चलते हैं हम अमाथू। और ये देखिए गैया को, फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अमाथू। और ये देखिए हमारा ट्रैक्टर, और ये देखिए गाइस ये साग है, वो पालक, मूली, ये भिंडी है, फूलगोभी नहीं भिंडी है, और बीन्स। क्या है बीन्स। ये बीन्स है, हमारे मोहित भाई बता रहे हैं। पपीता, करेला, उसी में है करेला। अच्छा ये नीचे वाला ये है करेला और ये नेनुआ। इसके बाद खीरा, देखिए खीरा का कितना छोटा छोटा होता है, फिर इसी में निकलता है। और हाँ आओ तो ही, ये भी पपीता ना, कद्दू, कद्दू, अमरूद, नेनुआ, मतलब सब्जी का मतलब पूरा ही खेती हुआ है। और चावल धान का जो है वो तो खेतों में होता है बाहर में। तो और यहाँ पे देखिए छोटा सा किया हुआ है ये वाला, इतना दूर में मतलब धनिया निकलता है, अभी ये निकला नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाएगा 4-5 दिन में। तो यहीं पे होता है हमारा खेती, और इसका तो आप लोग जानते ही है क्या काम लगता है। सारा सामान उधर है, कुछ यहाँ पे है, और यहाँ पे है, हो रहा अंदर बस। तो बने रहिए वीडियो में, आपको और चीज़ दिखाते हैं। और खेत पटाने का जो काम होता है, पानी वानी लाने का, ये देखिए पाइप को कैसे लगाया गया है यहाँ पे, ताकि दिक्कत ना हो जगह में। देखिए तो यही है छोटा सा हमारा, जहाँ साग सब्जी का उपजाऊ होता है, और खेत वगैरह तो बाहर में जो है उसका अलग। यहाँ पे हमारी 3 भैंसें, मतलब हमारी नहीं, और अंदर में एक गाय भी है शायद, देखिए बछड़ा। और देखिए एक गाय यहाँ पे भी है, इसका भी काम होता है खेती में ही, जो नीचे में वो क्या बोलते हैं उसको, पत्ती वगैरह लग के अरे है। सो जा, कोई नहीं मोहित, और यहाँ पे मोहित के पापा दुकान चला रहे हैं, और उसका लगा हुआ है क्लास, देखिए ये बैठा हुआ है। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ घर, क्योंकि किसी रीज़न की वजह से मेरे पास कॉल आया, मतलब कुछ काम से मुझे जाना है, तो इस वजह से आगे मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए सॉरी गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आप लोग प्यार बनाए रहें, आप लोग के प्यार से ही हमारा हौसला बुलंद हो सकता है। तो थैंक्स, धन्यवाद गाइस।